सभी को नमस्कार मैं बाला सुब्रमण्यम मूलतः हैदराबाद का निवासी हूं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजनीति में भी हूं संसदीय कार्यालय का सचिव आज हम आपको एक अद्भुत दृश्य दिखाने के लिए यहां आए थे हैदराबाद है के आसपास में मेडचल के पास में पिंड पिद्धिराजू गुट्टी मुक्कल रामो ऐसा दो औसाहिक किसान पढ़े लिखे आदमी यहाँ एक पॉलीहाउस कल्चर में गो आधारित कृषि का काम कर रहे हैं इस पॉली हाउस में आप देखिएगा रेड एमरान देखिए हैदराबाद में आपको सरसों का साग मिलना बहुत मुश्किल है यहाँ उगता ही नहीं है यहाँ इस फार्म हाउस में यहाँ के जो निर्वाह किसके चलाने वाले हैं यहाँ सरसों का साग उगा रहे हैं। आप ये देखिए पालक आप वहाँ देख सकते हैं धनिया और ग्रीन अमरान्तस इसका जो स्टेम है ये यहाँ बहुत प्यार से कहते हैं इसको लोग ये देखिए इतना मोटा मोटा स्टेम जैसा कश्मीर का दाल का कश्मीर में दाल का जो कमल के वो फुल फल उस निकलता है ऐसा इसका यहाँ बहुत डिमांड होती है ग्रीन यमरान का हर पत्ता लाइवली कितना हरा भरा इनको खाने से स्वाद ही नहीं आदमी को शक्ति मिलती है पूरे के पूरे गो आधारित व्यवसाय गौमूत्र गो गोमय और कभी कभी छाछ को बहुत रख के उसको फर्मेंटेशन करने के बाद जो रस निकलता है उसके साथ इतना सुंदर सा पालक का पत्ना कोई भी ना केमिकल्स न फार्मिंग गो आधारित फार्मिंग है ये पूरा ऐसा चार यहां चल रहा है आपको एक गजब की बात सुनाता हूं हैदराबाद शहर में हर हफ्ते एक टन हरी परी पत्ते यहां से सप्लाई हो रहा है मंथिर सुब्रमण्य राजू पिछले एक दशक से वो इसी काम पे लगे हैं वो इस फार्म हाउस का ये पॉलीकल्चर का वो कंसल्टेंट है ये इसीलिए आपको बता रहे हैं कि हर कॉस्मोपलिटन शहर में चाहे वो दिल्ली हो कलकत्ता हो मुंबई हो मद्रास हो बेंगलुरु हो हर जगह आप अपने अपने, अपने 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 घर पे खेती बाड़ी में जहाँ इतना सा जगह मिल जाता है वहाँ ये फॉर हाउस में अपने लिए सब्ज़ी बनाते हैं अपने आस के लोगों के लिए बना सकते हैं अगर चाहे तो उसको बिजनेस भी इसको बना सकते एक टन हर हफ्ता यहाँ से सब्जी हरी सब्जी जा रही हैदराबाद में है अगर इसके लिए चाहे तो कभी मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा मंचन सुब्रमण्य राजा जी का भी नंबर देता हूँ मैं आपको उसमें वो डाल दीजिए और आपको चाहे तो उनसे कंसल्ट भी कर लेना लेकिन मुख्यतः बताने का चीज़ है कि दस वेरायटी के पत्ते अच्छा सुनिए समर में आपको मेथी नहीं मिलती है यहाँ हर समय तीन सौ पैंसठ दिन हर तरह के पत्ते यहाँ उगाते हैं और शुद्ध तरीके से स्वच्छ पानी गोमय गोमूत्र चाच दही या कुछ और वर्मी कंपोस्ट इसी चीज़ों के साथ कोई भी इतना भी केमिकल नहीं है ना फर्टिलाइजर है हम अपने अपने घरों में भी अपने, अपने अपने स्थान में भी अपने अपने जगह में भी अपने अपने खेत में भी कहीं भी हो देश में ऐसा एक स्वस्थ और मधुर सा सब्जी उगाना अपना काम भी बनता है उसके साथ स्वाद भी बढ़ती है तबीयत अच्छी होती है रोग निवृत्त हो सकते हैं तो मेरा आप सबसे एक प्रार्थना है कि ऐसे जहाँ जहाँ आपको संभावना है एक पॉलीकल्चर में हो या गो आधारित व्यवसाय कृषि करना बहुत ज़रूरी है ऐसा विनम्र प्रार्थना के साथ मैं आपके बाहर में जो आम का बगीचा है वो भी दिखाता हूँ वो भी देख लीजिएगा तब आपको मालूम पड़ेगा कि गो आधारित व्यवसाय कृषि में कितना दम है और स्वास्थ्य को आदमी को कैसा तंदुरुस्त और स्वस्थ बना सकती है चलिए मेरे साथ बाहर चलते हैं और वहाँ आम का बगीचा भी देखते हैं और ये पूरा बाहर से एक बार ये पॉलीहाउस भी आपको दिखा देते हैं और दूसरा चीज़ यह है जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है बाहर दो तालाब है वहाँ पर तो वह ये जो पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग से पूरा पैन तीन सौ पैंसठ दिन पानी यही मिलते हैं जो प्रकृति देती है जो नेचर देता है उसी को हर चीज़ को यहाँ उपयोग करते हैं और बाहर भी एक सुंदर सा दो तालाब है जो मेरे साथ खड़े हैं श्री गुट्टी मुक्कला रामूज है ये और इनके चाचा जी पेनमेस पिद्य जी ये इस पूरे फार्म हाउस के मालिक है पढ़े लिखे आदमी देश विदेश में काम करके का आए फिर भी ये इसी को अपना जीविका बना के एक लक्ष्य के साथ लोगों को तंदुरुस्त और शुद्ध खाना देने का ग्रीन लीव देने का हरे भरे पत्ते देने का काम उठाया इतना बड़ा स्ट्रक्चर इन लोगों ने खड़ा कर दिया ये दोनों ने पिजराजू साहब और रामू जी इन लोगों का कष्ट से शहर में हर हफ्ते एवरी वीक एक टन हरी सब्जी जा रही है ये इतना छोटी सी जगह में इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो मैंने सोचा इन लोगों को अभिनंदन और सराहना बहुत ज़रूरी है और आम के बगीचे में बढ़िया सुंदर सुंदर सा आम आपको दिखाते हैं चलिए मैंने आपको अंदर पॉली हाउस में हरे पत्ते कैसे उगाते हैं मैंने दिखा दिया यहां देखिए ये सड़क के दोनों तरफ आम के पेड़ लगाया एक चीज याद रखिएगा यहाँ कहीं भी कोई केमिकल नहीं है ना कोई फर्टिलाइजर नहीं है कोई दूसरा इस तरह का पूरा गाय से निकला हुआ ही गोमय गोमूत्र ये आम का पेड़ देखिए हम एक भ्रम में रहते हैं कि भैया फसल अच्छी होना चाहिए उगना चाहिए ज़्यादा फल निकलना है तो केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करना कोई ज़रूरत नहीं केवल गोमूत्र गोमैसे जो बना हुआ जीवामृत आप देखिए इतने सारे पेड़ के इतने पैसे और हर जगह आपको देखिए इतना इतना मोटा मोटा ये देखिए आपने कभी देखा इतना सा सुंदर फल मधुर फल बिना केमिकल्स के बिना रसायन के हर चीज यहाँ दिखती है ये ये सिर्फ इसी पेड़ के लिए नहीं है हर पेड़ आप देखिए जहां भी आप देख सकते हैं हर पेड़ में ऐसे ही लगे हैं ये पूरा राजू जी का मेहनत है गो आधारित गाय से गाय के ऊपर आधारित गोमय से गोमूत्र से बना हुआ फल ही ऐसा आ रहा है अच्छा इसका दूसरा खूबी है मैं आपको बताना चाह रहा था यह सामने दो फॉर्म पॉन्ड लगाए तालाब ये लोगों ने खुद उसका खुदाई की एक एक तालाब में 80 लाख लीटर का पानी जमा होता है अच्छा ये पानी कहाँ जाती है ना कोई बोरवेल का इधर उधर का नहीं है जो बारिश के समय पे जब बारिश होती है उसी का हर हर बूंद बूंद को बचा के वहाँ डाइवर्ट करें तीन सौ पैंसठ दिन आपको यहाँ पानी का कोई किल्लत होता ही नहीं इस पूरे ज़मीन के लिए इस पूरे बगीचे के लिए इस पूरे फार्म हाउस के लिए इस पूरे पॉली हाउस के लिए मैं आपको एक सिस्टम बता रही यहाँ जो लोगों ने इसका डेवलप किया था आप देखिए ये जो पानी यहाँ से बारिश में पानी आता है वर्षा के पानी ऊपर से ऐसा एक व्यवस्था किया जो ये छोटा सा जो कम्बा आपको दिख रहा है पाइप ये पाइप से ये वाला मोटा पाइप जिस पर मैं कड़ा हूँ पूरा पानी इसमें जमा होके ऐसा निकलते निकलते फिर वहाँ एक छोटा सा कुआं जैसा बनाया, ऐसा हर जगह से फिर पानी मेन तालाब में ताला पहुँचती है 80 लाख लीटर प्लस 80 लाख एक करोड़ 60 लाख लीटर का पानी हर समय आपको यहाँ उपलब्ध है पानी प्रकृति दे रही है गाय अपना गोबर और उसमें से मूत्र और और थोड़ा बहुत फॉर्मी कंपोस्ट इतना हरा भरा इतना सुंदर सा स्वादिष्टता आपका स्वास्थ्य को रखने वाले ऐसा ये देखिए एक 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 ये फॉर्म हो ये पॉली हाउस ये दूसरा सो दोनों में और वहाँ अपना ही तालाब पेड़ आप किसी भी पत्ते को देखिए कोई भी पेड़ को देख लीजिएगा चैलेंज है कि कहीं भी आपको कोई ना कोई कीड़ा वगैरह दिखता ही नहीं है इतना सुंदर हरा भरा पत्ते इतना तंदुरुस्त पत्ते ये नेचर फॉर्मिंग इसके कारण आदमी स्वस्थ रहता है और माँ प्रकृति की सेवा करने का मौका भी हमें मिलता है आप सबसे एक विनम्र पारता है जहाँ जहाँ आपको मौका मिलता है ऊपर अपने क्षित के ऊपर भी ऐसा थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा और माँ धरती का सेवा करने में अपना अपना काम कर्तव्य हम निभाने का प्रयत्न करेंगे आगे मैं आपको और एक कुछ चीज़ दिखाता हूँ अच्छा दूसरा ये देखिए इस पॉली हाउस पर खूबी है समर में धनिया नहीं निकलती है यहाँ पर 45 फाइव डिग्रीज़ के ऊपर जब टेम्परेचर जाता है तो नहीं होता है यहाँ हर समय तीन सौ पाँच दिन धनिया उगाते हैं और इतना मधुर सा मैंने कहा के देखा है अंदर पत्ते को वैसे ही मेथी एक सीजन में मेथी नहीं मिलता है जुलाई अगस्त से लेके कर यहाँ मेथी भी मिलता है मैंने आपको बताया सरसों का सरसों का साग सर सरसों यहाँ उगता ही नहीं है क्योंकि हमारा खाने का चीज़ आदत ही नहीं यहाँ सरसों का साग भी उगता है उगाते हैं लोग इतना अच्छा सिर्फ गो मई गोमूत बेसिन और गुड़ जागरी और थोड़ा बहुत वर्मी कंपोस्ट। ये पूरा वही है आप देखिए हम आके और कुछ अच्छे अच्छे चीज आपको दिखाने का कोशिश करेंगे आइए मेरे साथ मरनी अपडेट्स कोस टीवी यूट्यूब चैनल